हाय गाइस वेलकम टू लव्स किचन आज हम ढाबा स्टाइल दाल तड़का बनाएंगे घर में नॉर्मल दाल से अगर आप बोर हो चुके हैं तो ये दाल जरूर ट्राई कर सकते हैं इस रेसिपी में यूज होने वाले सभी इन्ग्रीडियंट्स की लिस्ट आपको स्क्रीन पे दी गई है सबसे पहले हम अरद दाल और मूंग दाल को मिक्स करके उसे धो के भिगो के रख देंगे थोड़ी देर फिर प्रेशर कुकर में पाँच से छः सीटी आने तक बॉईल कर लेंगे देखिए बॉईल हो चुकी है दाल एक कढ़ाई में घी गरम करेंगे और उसमें ज़ीरा डालेंगे थोड़ी देर ज़ीरे चटकने देंगे अब इसमें कटे हुए लहसुन डालेंगे लहसुन को बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे अब इसमें हम बारीक कटे प्याज ऐड करेंगे थोड़ी देर सौते करेंगे इसमें चुटकी भर हींग मिला देंगे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हल्का ब्राउन हो जाने पे हम इसमें अब मसाले ऐड करेंगे डालेंगे एक चौथाई चम्मच हल्दी दो छोटे चम्मच धनिया पाउडर थोड़ी देर सौते करेंगे मसालों के भुनने तक हम इसे फ्राई करेंगे अब इसमें कटे हुए टमाटर ऐड करेंगे अच्छी तरह से मिला देंगे थोड़ी देर सौते करेंगे अब इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड करेंगे नमक ऐड करने की वजह से टमाटर जल्दी गल जाएंगे इसे कुछ देर इसी तरह से सौते करते रहेंगे इसे मसाले भी अच्छी तरह फ्राई होंगे और मसाले जितने अच्छे फ्राई होंगे उनका फ्लेवर भी उतना अच्छा निकल के आएगा अब इसमें हम बॉइल्ड दाल ऐड कर देंगे सारी दाल डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे थोड़ी देर मध्यम आंच पे इसको उबलने देंगे अब इसमें हम घटी हुई धनिया ऐड कर देंगे धनिया को दाल के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे अब दाल में हम एक तड़का लगाएंगे एक तड़का पैन में मक्खन हम पिघलाएंगे और उसमें ज़ीरा सूखी लाल मिर्च और कश्मीरी रेड चिली पाउडर मिला देंगे बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे हल्का गर्म होते ही हटा देंगे नहीं तो मसाला जल सकता है तड़का पैन को हीट से हटा के चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे सब कुछ और तैयार दाल के ऊपर इस तड़के को हम डाल देंगे तड़के को डालने के बाद दाल के साथ उसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और धनिया पत्ता छिड़क के इसे सर्व करेंगे ढाबा स्टाइल दाल तड़का रेडी है इसे आप जब भी नॉर्मल दाल से हट के कुछ बनाना चाहें ट्राई कर सकते हैं इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल प्लीज़ हिट द बेल बेलाइकिन सो यू गेट लेटेस्ट अपडेट्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग